तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज आप गेस करके बताओ कि मैंने क्या बनाया होगा, लेकिन आप लोगों ने थंबनेल को देख करके पहचान लिया होगा कि आज क्या बनाया है। तो दोस्तों चलिए आज आपको बताता हूँ कि उसको मैंने किस किस तरीके से बनाया और क्या बनाया है, उसकी साउंड कैसी है, साउंड की टेस्टिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि आप लोगों को भी ये बनाना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे आ जा, 1 2 3। तो दोस्तों ये है हमारा टावर स्पीकर बनाया दोस्तों। इसमें आप सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाया। तो सबसे पहले ये कोई स्पीकर नहीं है, ये एक डिजाइन है स्पीकर, तो बस इसमें एक ही लगा हुआ है और वो भी JBL के हैं। एक स्पीकर था मेरे पास जिसको आपने शायद पहले वीडियो में भी देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में। तो ये डिजाइन है और ये वूफर है, अंदर पूरा बड़ा वूफर है वो लगा हुआ है और इसके वूफर है और इनमें से साउंड निकलती है। ये कुछ डिजाइन बनाया DJ मॉन्स्टर ओजस यादव, और ये कुछ शेप दी हुई है और ऊपर से भी कुछ देखिए कुछ ऐसी शेप दी हुई है। और साइड में अभी मैंने कलर नहीं किया, कलर अभी करेंगे। तो साइड में मैंने कुछ ये कपड़े के लगाए जिससे कि जब साउंड चलती है तो ये कपड़े भी ऐसे ऐसे हिलते हैं, जैसे साउंड का बेस होता है ऐसे इस तरफ भी है। तो चलिए बिना देरी करे आप लोगों को इस वीडियो में आगे ले चलते हैं और इसकी टेस्टिंग कराते हैं कि ये कैसा है। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए आप एक देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं और आप सोच नहीं पाओगे इतनी अच्छी साउंड आ रही है, इतना तगड़ा बेस आ रहा है और बहुत अच्छी साउंड है। तो दोस्तों ये कनेक्ट तो हो गया है और मैंने एक इसमें वायर भी लगाई है ताकि ये चार्ज होता रहे, क्योंकि मैंने इसमें वैसे सबवूफर वगैरह नहीं लगाए, एक स्पीकर था उसी को इसके अंदर ऐड करा है। और जब एक स्पीकर में से जब एक साथ ऊपर से यहाँ से आवाज आ रही है तो इसकी वजह से ज़्यादा आ रही है, बॉक्स की वजह से बेस आ रहा है। तो चलिए एक बार आपको इसके साउंड की टेस्टिंग कराते हैं। अभी चार्जिंग दे रखी है मैंने इसमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साउंड बहुत ही बेहतर है, आप इसको होम में
अपना जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं बना करके। और इसकी कॉस्ट लगभग, मुझे अभी स्पीकर मेरे पास था, उसके अलावा ये एक गत्ता लगा है, कुछ ये डिस्पोजल्स, टेप लगी है और कलर, और सिंपल थोड़ा सा चार्ट पेपर और कपड़ा थोड़ा सा, और ये स्केच, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगा, थोड़ा ही लगा है। और बस इसमें जो अंदर इसको सेटअप करने के लिए जो भी बना है वो लगा है, इतना महंगा नहीं पड़ा। आप भी इसको बना सकते हैं, आप इसमें सब ऊपर भी ऐड कर सकते हैं स्पीकर की जगह पर, आप आपको जिस तरीके का चाहिए, जिस वॉइस का चाहिए, आप उस तरीके का बना सकते हैं। मुझे बहुत बेहतर लगा, बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को इसकी साउंड कैसी लगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।